Morning dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today on date 1st of October 2020, day Thursday, we are going to start our another video class. Do you know the spelling of Thursday? Okay, let's spell with me. T-H-U-R-S-D-A-Y. Thursday. Thursday means Guruvar. थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक. थर्सडे हमारे हफ्ते का चौथा दिन होता है. ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो क्लास एंड टुडे सब्जेक्ट इज पुष्पांजलि. ओके लेट स्टार्ट. ओके स्टूडेंट टेक आउट योर पुष्पांजलि बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 9. यहाँ आपको दिया है री की मात्रा और उसके साथ ही नीचे दी हुई है ए की मात्रा. चलिए यहाँ री की मात्रा से कुछ शब्द दिए हुए हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं, इनका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी. चलिए री की मात्रा पढ़ते हैं. एक मृग था, त्रीन चरता था. ठीक है, एक मृग था. मृग मीन्स, जैसे कि आप लोग प्रेप क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा मृग मीन्स क्या होता है, हिरण. ओके, त्रीन चरता था. त्रीन यानी क्या होता है, घास. हिरण क्या खाता है, घास. तो घास खाता था, मतलब घास चरता था. ओके, एक नृप आया, मृग घबराया. एक नृप आया, नृप मीन्स क्या होता है, राजा. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे देख के आपको क्या लगता है, ये राजा है ना, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नृप. ओके, मृग घबराया यानि उनको देख के हिरण डर गया. तब याद आई उसे एक ऋषि की. तब क्या होता है, जब वो घबरा जाता है राजा को देख के, तो उसे किसकी याद आती है, ऋषि की याद आती है. ऋषि की कृपा से वह छूट गया. उसके बाद क्या होता है, वो ऋषि की कृपा से वह छूट गया. ओके, अब नीचे दिए कुछ शब्द दिए हैं, इसे आपको क्या करना है, अध्यापक के साथ बोलिए. अध्यापक मीन्स क्या होता है, टीचर. आपको क्या करना है कि जब टीचर बोलेगी तो आपको टीचर के साथ रिपीट करना है. ओके, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ूँगी साथ ही साथ आपको मेरे साथ रिपीट करना है. चलिए शुरू करते हैं. र म न, रमन. अब आप भी बोलेंगे र म न, रमन. ओके, क स र त, कसरत. क क में आ की मात्रा का, ग ज कागज. फ फ में आ की मात्रा फा, ट क फाटक. स स में छोटी की मात्रा सी, त त में आ की मात्रा ता, र सितार. र र में छोटी की मात्रा री, म झ झ में छोटी की मात्रा झी, म रिम झिम. क क में छोटी की मात्रा की, त त में आ की मात्रा ता, ब किताब. द द में बड़ी की मात्रा दी, द द में बड़ी की मात्रा दी, दी दी. प प में बड़ी की मात्रा प, र र में बड़ी की मात्रा री, परी. क ह ह में आ की मात्रा हा, न न में बड़ी की मात्रा नी, कहानी. स स में छोटी की मात्रा सु, ब ह सुबह. म म में छोटी की मात्रा मू, र ल में बड़ी की मात्रा ली, मुरली. क क में छोटी की मात्रा कु, स स में छोटी उ की मात्रा सु, म कुसुम. झ झ में बड़ी उ की मात्रा झू, ल में आ की मात्रा ला, झूला. प म प में बड़ी उ की मात्रा पू, र र में बड़ी की मात्रा डी, पूड़ी. अ अ में आ की मात्रा आ, ल ल में बड़ी उ की मात्रा लू, आलू. म म में री की मात्रा मृग, ग मृग. त त में री की मात्रा त्री, अ न त्रिन. न न में री की मात्रा नृ, अप नृप. री श श में छोटी की मात्रा शी, ऋषि.
च च में बड़ी की मात्रा ची, न न में बड़ी उ की मात्रा नू ची नू, झ झ में बड़ी उ की मात्रा झू ल झूल, च च में छोटी उ की मात्रा चू न, च च में छोटी उ की मात्रा चू न चुन चुन, स स में आ की मात्रा सा, म म में आ की मात्रा मा न सामान, ख ट प ट खटपट। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करना है। ओके, मैंने आपको री की मात्रा पढ़ा दी अभी, अब हम चलते हैं अपने दूसरी मात्रा की तरफ जो कि है ए की मात्रा। ओके, ए की मात्रा है तो यहाँ एक वर्ड दिया है केले। देखिए क क में ए की मात्रा के, ल ल में ए की मात्रा ले केले। चलिए अब यहाँ कुछ और वर्ड्स दिए हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं। ठेले वाला आया केले भरकर लाया, ले रामू केले ले पके पके केले ले। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठेले वाला आया, कौन आया? ठेले वाला आया केले भरकर लाया। ठेले पे क्या लाया है? बहुत सारे केले। ले रामू केले ले, यहाँ एक बच्चा है, इसका नाम क्या है? रामू है। तो ये ठेले वाले अंकल इनके इनको क्या बोल रहे हैं कि ले रामू केले ले, पके पके केले ले। ठीक है, पके पके केले लेने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे ए की मात्रा का बहुत उपयोग किया गया है। ओके, इसी तरीके से आपके यहाँ आपका यहाँ पे दो मात्राएं कंप्लीट होती है, री की मात्रा और ए की मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है तो आपको इसी तरीके से इन वर्ड्स को रीड करना है और याद करना है, और साथ ही साथ आपको कॉपी में मैं होमवर्क देती हूँ, उसे भी आपको नीट एंड क्लीन प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है? री मात्रा से 10 शब्द लिखिए। ठीक है, आपको री मात्रा से 10 शब्द लिखने हैं। ओके, यहाँ आप लोग डेट डालना नहीं भूलना, होमवर्क। और आज का डेट है 1 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को ए मात्रा से 10 शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ आपको ए की मात्रा से 10 शब्द लिखने हैं और यहाँ आपको री की मात्रा से 10 शब्द लिखने हैं। ओके, सो यही आज का आपका होमवर्क कंप्लीट होता है, आई मीन वर्क कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।